हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल पॉइंट। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं टच करने जा रहा हूँ, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यह मैंने अपने रियल लाइफ के प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया है। दोस्तों, क्या कभी आपने यह सोचा है कि हम इंटरनली क्यों खुश नहीं रह पाते? कुछ पाने की हर समय इच्छाएं रहती हैं और कुछ खोने का दर्द। क्यों हम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते? बहुत कुछ होते हुए भी क्यों हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है? हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग्स आने लगती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन हो जाता है कि हम जिस काम में परफेक्ट होते हैं वह काम भी ढंग से नहीं कर पाते। दोस्तों, ध्यान से सोचिए, यह सारा गेम होता है हमारे मन का। हम जाने अनजाने धीरे धीरे मन के कंट्रोल में आ जाते हैं, बुद्धि से काम लेना बंद कर देते हैं और मन सिर्फ वो काम हमसे कराता है जिसमें उसे आनंद मिलता है, मजा आता है। अब यह मैटर नहीं करता कि वह प्लेजर टेम्परेरी है या परमानेंट। मन को हमेशा बेटर एक्सपीरियंसेस चाहिए होते हैं। दोस्तों, मान लीजिए यदि हम वाइन पीना स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन हम एक पैग लेंगे, एक पैग में ही हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरे दिन वो एक पैग में संतुष्ट नहीं होगा, उसे दो पैग चाहिए होंगे। इस तरह ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप हाफ पीकर भी ये बोलेंगे यार कुछ हुआ ही नहीं। तो ये है हमारे मन के वेटर एक्सपीरियंसेस। आप किसी भी फील्ड को उठा के देख लीजिए, हमारे मन की यही कहानी मिलेगी हर फील्ड में। तो दोस्तों, मन हमसे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए सारे काम कराता है। अब वो चाहे गलत हो या सही, इससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि मन के बस में हो जाती है। धीरे धीरे हमारा विवेक नष्ट होने लगता है, अब हम पूरी तरह मन के कंट्रोल में होते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, जिसे हमें अपने मन के विचारों पर अप्लाई करना है और क्या सही है क्या गलत इसे जज करना है। क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक ऐसी पावर छुपी होती है, एक ऐसी पावर होती है जो उसे सही और गलत का एहसास करा देती है। जो काम वो करने जा रहा होगा उसे पता लग जाएगा कि वो काम सही है या गलत, और यही पावर हमें गलत चीजों से और गलत लोगों से हेट भी कराती है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, कि जो प्लेजर्स हमें गलत कामों के करने से, गलत लोगों की संगत से मिल रहे थे, वही प्लेजर्स हमें अपनी इंटेलिजेंस से अच्छे कामों में क्रिएट करने होंगे। और यह कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक बार मन को जिस चीज से, जिस बात से हेट हो जाती है, घृणा हो जाती है, फिर वह उस ओर कभी नहीं जाता। हमें यही करना है, गलत चीजों से, बुद्धि के उपयोग से, इंटेलिजेंस के उपयोग से हेट क्रिएट करनी है अपने मन को। अब जब भी कोई गलत विचार मन में आता है, गलत काम को करने का कोई विचार मन में आता है, तो आप अपनी बुद्धि को, इंटेलिजेंस को बीच में ले आइए, फिर देखिए मन खुद व खुद हार मानने लगेगा। धीरे धीरे यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और की बुद्धि, इंटेलिजेंस इंप्रूव होने लगेगी, जो अभी तक बिल्कुल सोई हुई है। अभी तक हमारा मन 100% काम कर रहा है और हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ 10% मान के चलिए। अरे यार, मन हमारा है तो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए या हम मन के कंट्रोल में रहेंगे? दोस्तों, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, जब मन हमारे कंट्रोल में होगा, बुद्धि मन पर डोमिनेंट होगी, हावी होगी, तो जो हम करेंगे वह सब अच्छा करेंगे, सोच समझ के करेंगे, और वह परमानेंट होगा, चाहे कोई रिलेशन हो या प्लेजर। और जब ऐसा होगा तो हमारी इंटेलिजेंस, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और हमें कभी खुद में गिल्टी फील नहीं होगा, और लाइफ जीने का एक अलग ही आनंद होगा, अलग ही मजा होगा। हमारा इंटरनल प्लेजर हमारी पर्सनालिटी को भी इंप्रूव कर देगा। दोस्तों, जहां हम खुद में सेटिस्फाई होंगे, फिर उसके बाद हमें कुछ भी करना मुश्किल नहीं लगेगा,
हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप होगा कि कुछ भी हमें नामुमकिन नहीं लगेगा, जो हमें कभी कभी लगता है कि हमें ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, अब बात आती है बुद्धि को सही जगह पर अप्लाई करने की। तो हमें अपनी उन थिंकिंग्स पर अप्लाई करना है जो हमारी लाइफ के लिए, रिलेशंस के लिए जरूरी है, बेकार की बातों में नहीं। मान लीजिए हमने कोई टीवी सीरियल देखा, अब हम उसी के बारे में बुद्धि लगा रहे हैं कि कल क्या होगा। अरे जो होगा सो होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या लेना देना, वो तो एक इमेजिनेशन है। तो दोस्तों, हमें अपनी बुद्धि को बेकार की जगह नहीं लगाना है, ऐसी जगह लगाना है जहां लगाना जरूरी हो, लॉजिक जहां से कुछ निकल रहा हो। जितनी हमारी समझ गहरी होती चली जाएगी, उतना ही हमारा मन पर कंट्रोल अच्छा होता जाएगा। अब यहाँ हमें मन को कंट्रोल करने के लिए सोचना समझना नहीं पड़ेगा, ये प्रक्रिया स्वयं ही चलने लगेगी। हर काम को हमें बैलेंस में करना है, एक्सट्रीम में नहीं जाना है। जितनी जिसकी वैल्यू है उससे ज्यादा उसे वैल्यू मत दो। दोस्तों, हमारा मन बहुत कनिंग है, बहुत चालाक है। ये जिस चीज की जरा सी वैल्यू होगी उससे भी बहुत बड़ी वैल्यू दे देता है। यहीं पर हमें अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को अप्लाई करना है, सोचना है, समझना है, उसके बाद ही किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ना है। जब तक हम अपने मन की सुनेंगे, मन के मुताबिक चलेंगे, तब तक हम इंटरनली खुश नहीं हो सकते। तो दोस्तों, बुद्धि और मन का लॉजिक यही है कि हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस हमारे मन पर डोमिनेंट होनी चाहिए, और हमें अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए अपने मन के विचारों पर अपनी इंटेलिजेंस को अप्लाई करना चाहिए, उसे सोचना समझना चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं क्या वह वाकई में सही है हमारी लाइफ के लिए, हमारे रिलेशंस के लिए, हमारी खुशियों के लिए। और जब हम यह सब सोचना शुरू कर देंगे, हमारी इंटेलिजेंस हमारे मन पर डोमिनेंट हो जाएगी, तो हमें किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस खुद ही ले सकते हैं, और वो डिसीजंस यूनिक होंगे, हमारी हेल्प करेंगे, हमारे लाइफ को बेटर बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर व्हाइल टेकिंग लाइफ डिसीजंस। एक भी गलत डिसीजन हमारी पूरी लाइफ को स्पॉइल करके रख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 शेयर अवश्य करें अपने फ्रेंड्स में, और इस पर कुछ कमेंट करें।